मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया? अच्छा यार, यहाँ पे आप जाएंगे ना, आपको एक आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी यहाँ पे। चलो ये भाई हो जी, ये जो है ना इसके अंदर इसको फ्राई करने लगेंगे। आपका ये स्टीमर है, फ्रायर है? फ्रायर दोनों काम करते हैं। पहले जो ना प्लेन चावल चेक कर लेते हैं कि चावलों का फ्लेवर किस तरह का है, उसके बाद इसमें बोटी और जो कबाब वो चेक कर लेंगे। हर चीज स्पेशल है, आप स्पेशल है, आप स्पेशल जो आता है ना इधर वो स्पेशल है यार। बहुत वाला मज़ा आ गया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस पॉइंट को ट्राई कर लेना चाहिए यार, बहुत लेवल की तही बोले भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस साकिब मुबीन, मैं रंग महल चौक के अंदर। यहाँ पे जो है ना एक दही भल्ले मिलते हैं, बहुत पुराना सेटअप है उनका, बाबा जी हैं अकेले लगाते हैं, उनके पास चलेंगे। उसके बाद ना यहाँ पे एक लाहौर बिरयानी है, बहुत ज़्यादा फेमस है शालवी के अंदर, वो बिरयानी चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम ये थोड़े से पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे। पहले जाएंगे इंशाल्लाह रंग महल चौक में, वहाँ पर जाके जो है हम यहाँ पे बाबा जी से दही भल्ले ट्राई करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह जाएंगे लाहौर बिरयानी पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले बाबा जी के पास चलते हैं। पॉइंट को कवर करने की मैं तकरीबन पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि इनका टाइम बहुत थोड़ा सा होता है। मगरब के बाद ये पॉइंट स्टार्ट होता है। यहाँ पे दही भल्ले मिलते हैं रंग महल चौक में, बर्तन वाली जो मार्केट है उसके स्टार्ट में बिल्कुल एक बाबा जी यहाँ पर जो है कसेरा बाजार, जो है कसेरा बाजार भी कहते हैं, कसेरा बाजार के बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे एक बाबा जी हैं, वो दही भल्ले लगाते हैं। और मैंने सुना है कि वो सिर्फ अकेले ही हैं, वो अकेले लगाते हैं, उनकी कोई बेटा नहीं है, उनका बेटियाँ ही हैं और इसलिए वो अकेले हैं, साथ उनके मुलाजिम होता है। तो मैंने कहा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस पॉइंट को ट्राई कर लेना चाहिए। आज मैं यहाँ पे आऊँ, पहले मैं आपको इनकी लोकेशन समझाता हूँ, फिर इनके पास चलते हैं, फिर इनसे थोड़ी सी बातें भी करते हैं। लोकेशन बड़ी सिंपल भी है, थोड़ी सी टेक्निकल भी है, मैं पहले आपको समझा दूँ, फिर आपने खुद जज कर लेना सिंपल है टेक्निकल है। लोकेशन अरे ये जो बाज़ार है ना, ये सारा ये सामने से आ रहा है शालमी मेरे साइड से, शालमी चौक से आपने आना है, ये रंगमहल चौक बनता है, ठीक है। इसके इस तरफ जो है ना इसकी ये मस्जिद है, यहाँ पे इसकी बैक साइड पे यहाँ पे शरीफ ज्वेलर्स और दूसरे जो सुहा बाज़ार के एंट्रेंस है वो यहाँ पे है। और इस तरफ जो है ये आप इधर को आगे को आएंगे तो ये रोड जा रहा है आगे कश्मीरी बाज़ार की तरफ, वो आगे कश्मीरी बाज़ार है। तो कश्मीरी बाज़ार से पहले यहाँ पे ये एंट्रेंस है कसेरा बाज़ार की। कौन सा बाज़ार है ये? कसेरा बाज़ार रंगमहल चौक, ठीक है। और इसके बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे ना ये रेडी लगती है, ये बैठे हैं बाबा जी, इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? सही है, क्या नाम है जी आपका? ज़हीरुद्दीन साहब। आप यहाँ कब से लगा रहे हैं ये? पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान बना, तब से लगा रहे हैं। अच्छा, तब से लगा रहे हैं? मैं तो छोटा सा था। आप छोटे से थे, ठीक है। तो इतने कितने 65 से ज़्यादा ही हो गया ना, पाकिस्तान बनते साथ ही लग रहा था। हाँ सही है, ठीक हो गया। तो ये आप कितने बजे आते हैं? 7 बजे आते हैं। और कब तक बैठे होते हैं? 10 बजे तक। आपका टाइम बड़ा मुश्किल है वैसे, गर्मी सर्दी में यही टाइम है? बस मगरिब के बाद ही शुरू हो जाता है ना हमारा। अच्छा, मगरिब के बाद का टाइम रखा हुआ है, मगरिब की नमाज से लेके 5 बजे हो या 6 बजे मगरिब की अजान होगी हमारे। सही होगा, ठीक होगा। तो कितने की प्लेट देते हैं? 150 की। 150 की, चले बनाए ना एक प्लेट। ये भाई बनाएंगे? आप खुद बनाएंगे? ये आलू आ गए, ये पकौड़ियाँ आ गई, इसे क्या बूंदियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? पकौड़ियाँ कहते हैं, ठीक हो गया। वैसे आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो लाहौर की पैदावार हूँ। लाहौर कहाँ के? भाटी गेट। भाटी गेट के। अच्छा, यार बड़े प्यार से माशाल्लाह बना रहे हैं। कि 150 की प्लेट में भल्ला डालते हैं? हाँ जी, एक भल्ला डालते हैं। एक भल्ला, ठीक हो गया। चल अच्छा यार, ये जो है ना हमारे सामने प्लेट आ गई है, ये अंकल जो है ना काफ़ी वाइफ है, इनके बारे में मैंने सुना है कि इनके बेटे वगैरह भी नहीं है, बेटियाँ हैं सिर्फ और ये अकेले ही हैं। तो मैंने कहा यार कि लाजमी से चेक कर लें, ये ना हो गया बहुत देर हो जाए इसको खाते खाते। और काम माशाल्लाह पाकिस्तान बनने से पहले का चल रहा है, पाकिस्तान बनने के साथ साथ चल रहा है काम। और मुझे किसी ने कहा था, मैं चाचू की चाट खाने के वहाँ गया था, वहाँ पे एक अंकल मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपने दही भल्ले खाने हैं तो दही भल्ले इससे अच्छे आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं चेक करना है स्पेशली। मुझे जिस तरह इन्होंने बनाए हैं, जिस तरीके से इन्होंने इसको बनाया है बड़े प्यार से, उससे अंदाजा हो रहा है कि कुछ स्पेशल है इसके अंदर। लेकिन बहुत सिंपल सा सेटअप है इनका, बिल्कुल बाजार के स्टार्ट के अंदर ही रेडी लगा के बैठे हुए हैं और थोड़ी देर के लिए आते हैं, 2-3 घंटे के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो चेक करते हैं, सही है। बिस्मिल्लाह यार, आजकल ना मैंने एक नया डायलॉग आया, वो डायलॉग ये है कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया यार, बहुत लेवल की तही बोले भाई। इसकी जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है, ये जो पकौड़ियाँ हैं ना बिल्कुल ये बारीक बारीक पकौड़ियाँ हैं, बूंदियाँ जैसे बोल रहे हैं आप जो भी कह रहे हैं इसको, बिल्कुल बारीक हैं और इसमें फ़्लेवर भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें फ़्लेवर नहीं है, फिक्की हैं। बाद में ऐसा होता है कि आप उसको ज़्यादा देर के लिए भिगो देते हैं और वो बिल्कुल ना जैसे बिल्कुल फोम सा बन जाता है, ये वैसा नहीं है। और कुछ कभी ऐसा होता है कि आप उसको कम देर के लिए भिगोते हैं, उससे वो थोड़ी सख्त रह जाती है, बाहर से नरम होती है अंदर से सख्त होती है ना, वो चीज़ है कि ज़्यादा सख्त है अंदर से ना ही बहुत ज़्यादा नरम है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और इसका जो मसाला है ना, सारा फ्लेवर इसके मसाले के अंदर है,
इधर तो फटा चल रहा है, दिखा रहे इधर अच्छे से काम, लड़ाई चल रही भाई, कोई बात नहीं। तो जी ये अब ऐसा हम करते हैं, ऐसा इसमें जो मसाला है ना, ये मसाला ये इसका फ्लेवर बड़ा कमाल है भाई, ये वो वही इसमें सारा फ्लेवर ही मसाले का भाई। लो जी अब इसको चेक करते हैं, ये इनका भल्ला है, यहाँ से भल्ला लेंगे, साथ में ये थोड़ा सा प्याज आ गया, थोड़ा सा मसाला आ गया, ये इसमें जा यार बहुत कमाल है यार, इस तरह के पर ना वाकई कहीं पर नहीं मिलते, क्योंकि जहाँ पे भी मिलते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा पापड़ी डलते थे, पापड़ी मीठी चटनी और वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आ जाती हैं तो उसका एक्चुअल फ्लेवर आता नहीं है। दिस इज़ वेरी गुड यार, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी जो है ना हम अपने अगले पॉइंट पे आ गए हैं, ये यहाँ पे ना बहुत फेमस पॉइंट है, फेमस जगह है यहाँ पे लाहौर बिरयानी के नाम से, बारा मार्केट के एंट्रेंस में मैं मौजूद हूँ। मैं आपको इसकी लोकेशन समझा देता हूँ, शालमी के अंदर मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में आपको जो भी चीज़ चाहिए ना आपको शालमी से मिल जाएगी, इस मार्केट से मिल जाएगी। कोई आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई आइटम चाहिए हो, कोई मैकेनिकल आइटम चाहिए हो, खिलौने चाहिए हो बच्चों के, आपको कुछ भी चाहिए ना आपको बड़ा मार्केट से मिल जाएगी। अभी हम अंदर जाते हैं, इसकी लोकेशन समझाता हूँ, साथ में यहाँ पे कुछ पीने को अगर हमें मिल जाता है तो पीने को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ना इसके अंदर शदीद रश है, मैं अगर आपको आगे जगह समझाने की कोशिश करूँगा ना तो मैं खुद घूम जाऊँगा। पहला सिंपल सी लोकेशन ये है कि वो जो रोड आ रहा है ना सामने से आएगा शालमी चौक की साइड से, और ये आगे इधर को जा रहा है रंगमहल चौक की तरफ। यहाँ पे ना आपके राइट साइड में आता है बारा मार्केट की एंट्रेंस है, किसी से भी पूछ लें यहाँ पे बारा मार्केट ना बहुत फेमस है, यहाँ ये बारा मार्केट की एंट्रेंस है, आप यहाँ पे आएंगे आगे तो वो सामने जाना है लाहौर बिरयानी है, उनके पास चलते हैं कुछ पीने को नजर आ जाए तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा यार यहाँ पे हम आगे जा रहे थे तो यहाँ पे ना एक चीज़ शरबत मिल रहा है, ये लीमू पानी है, ये बड़ा फेमस पॉइंट लग रहा है, चाचा लीमू पानी के नाम से बहुत सीधा होता था आपको बताऊँगी कि यहाँ पे लीमू पानी मिल रहा है। आपका नाम क्या है? चाचा नींबू पानी वाले इधर। तो चाचा जी कौन है? खड़े ही आप। हाँ भाई चाचा जी। वैसे आप नाम क्या वैसे? नाम नहीं, यही 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 जगह मशहूर है चाचा लीमू पानी वाले। तो कितना पुराना है ये? 30 साल पहले। 30 साल? अभी इधर मार्केट भी नहीं थी। अच्छा फेमस है ये। अच्छा सही होगा। अभी देखा है बनता? नहीं। हमारा स्टाइल ले रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीज भी ले रहा, स्टाइल भी ले रहा। ठीक हो। तो कितने बजे लगाते हैं ये? 12 बजे सुबह। और रात का? रात को 4 बजे तक। 9 बजे? 9:30 बजे ये रात को 4 कौन से बजते वैसे? यार बहुत मजा आ रहा है। जब इधर इधर आना ये पी के जाना। ठीक है ये डन हो गया। ये लेमन ऐसा है ये कोई स्पेशल लगवाया है लीमू आपने? हर चीज स्पेशल है, आप स्पेशल है, आप भी स्पेशल है, जो आता है ना इधर वो स्पेशल है। ये भी बात सही होगी। यार माशाल्लाह बहुत कमाल सीन है, बहुत ही कोई लेवल का जो है ना ये लीमू पानी मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। दो गिलास बनाएंगे आपने पहले से बना के रखा हुआ? अच्छा अच्छा यार ये जो है ना हमने इनसे ले ली है, ये स्कंजवी है, ये कितने का ग्लास है? 70 का ग्लास है ये। अच्छा मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे अचानक नजर आया, मैं पहले चेक कर लेते हैं फिर आगे जाके इंशाल्लाह बिरयानी भी खाते हैं। बड़ी मजे की आ रही है, पता नहीं इसमें एसेंस उन्होंने डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत कमाल का, नमकीन भी है ये और हल्की सी मीठी भी है और बहुत मजे की लस्सी है यार। ये तो है ना जिस तरह बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में जिसमें पसीने के साथ साथ नमकियात भी निकलते हैं तो नमक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे जो बेहतरीन है ना जो हमारे शुरू से हम बचपन में सुनते भी आ रहे हैं और जो इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं वो लीमू पानी होता है। उसमें आप नमक डालते हैं और आपकी जिसमें नमकियात पूरे कर देता है और जिसमें जो पानी की कमी होती है उसको पूरा कर देता है। तो दिस इज़ वेरी गुड आइटम टू हैव इन बरसात का सीज़न। यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अच्छा यार हमने पानी से नहीं पी लिया, अभी हम जो है ना खाना खाने चलते हैं लाहौर बिरयानी। ये बड़ा मसला है, ये देखो ये तो चल रहा है मसला, काम हम चल रहा होता है, नीचे जो ना ये कीचड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मसला रहता है, पता नहीं मार्केट वालों ने काम करवाना है इसका या जो है ये इंतजामिया वाले काम करवाएंगे
नहीं समझ नहीं आता। एक तो ये एक्सेसिबल भी है जगह, माशाल्लाह एक्सेसिबल थोड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन ये जो काम है ना ये वाला, ये सही नहीं है भाई, ये इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। आगे जाएंगे तो आपको हीटर भी मिल जाएगा इधर। एनीवेज ये रूटीन का काम है यहाँ पर, ये रश, ये काम चल रहे हैं माशाल्लाह, दिस इज रूटीन है। अच्छा यार यहाँ पे आप जाएंगे ना तो आपको एक आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी यहाँ पे यार, कौन सी आवाज़ आएगी बाद नहीं और चालू भाई क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अतील। अतीक भाई, अतीक भाई ये कितना पुराना सेटअप है ये वाला? ये माशाल्लाह 33 साल हो गए मेरे भाई। 33 साल हो गए जी बिल्कुल। ये बोर्ड 1 साल पुराना है? जी जी मेरे भाई, अभी बहुत सज पे गए मैंने, वापसी आएंगे सारी चेंज। अच्छा सही हो गया। अच्छा अतीक भाई क्या क्या होता है हमारे पास? फेमस आपकी लाहौर बिरयानी है। जी जी बिल्कुल, लेकिन कुछ और भी होता है साथ में? सर रोस्ट होगा, नान होगा, ज्यादा हमारी बिरयानी जो है ना वो फेमस है, वो चलती है। जी जी, उसका अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। अच्छा ये खुशबू बड़ी कमाल की आ रही है, कुछ फ्राई हो रहा है? इसकी रेसिपी होनी चाहिए बंदे की, अच्छी रेसिपी होनी चाहिए। जो चिकन, ये जो आपने सारा चिकन ये रखा हुआ माशाल्लाह यहाँ पे, जी जी ये सारा फिर फ्राई करते हैं आप? जी पहले हाफ फ्राई होगा, उसके बाद फुल फ्राई होगा, स्टीमर में फुल फ्राई होगा। ठीक हो गया। तो प्लेट कितने की बताई आपने? ये 590 की होगी, उसमें 300 ग्राम का पीस होगा, दिखाएं जरा, बड़ा पीस होगा साथ। अच्छा साथ कबाब होगा, काली मिर्च का बना हुआ। ठीक है, ये कबाब है? जी जी काली मिर्च का बना हुआ है, काली मिर्च का। ठीक है, और आप पैक कराएंगे 1.25 किलो राइस होंगे, 1.25 किलो चावल होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दो जो बैठ के खाएंगे टैनिंग पे, दो बंदे आ जाए राइस जितने मर्जी खा ले कोई इशू नहीं है, 5 दफ़ा खाए 10 दफ़ा खाए कोई इशू। 590 के अंदर ही? जी जी बिल्कुल। 590 की प्लेट दो बंदों के काफी होती है। साथ मतंजन होगा ये वाला, साथ सैलेड होगा, रायता होगा, स्पेशल खोए वाला। मतंजन तो नहीं है, इधर तो ही लग रहा है, आपने नाम इसका मतंजन रखा हुआ ना? जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया, ये सुनतपुरी का है, सुनतपुरी का है। साथ मीठा खिलाने वाली? मीठा मीठा जरूरी है। चलो सही हो गया। टाइमिंग क्या आपकी, कब खोलते हैं? सुबह 11 से लेकर रात को 11 बजे तक। सुबह 11 से रात 11 बजे तक बैठे हैं? इंशाल्लाह। रश किस टाइम लगता है ज्यादा आपको? हमारा 2 से लेकर 5 बजे तक सही माशाल्लाह काम होता है, सही रश। उसके बाद जो सर थोड़ा स्लो हो जाता है। किसी ने आपसे अंदरून कोई ना आ सकता, क्योंकि देखे ना आप कितना रश है यहाँ। सर ये नंबर लिखा हुआ है ऊपर। अच्छा हाँ जी सर, नंबर लिखा हुआ है, डिलीवरी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं, भी कर देंगे इंशाल्लाह बाहर भी। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा ये पतीला कितनी देर बाद चेंज करते हैं आप? माशाल्लाह 10 मिनट बाद हो जाता है। 10 मिनट में चेंज हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। प्यार नाल कितने किलो चावल वाला पतीला? ये 10 किलो राइस होते हैं इसमें। इसमें भी मसाला डालते हैं? जी जी बिल्कुल, ये काली मिर्च के बने हुए हैं। ठीक हो गया, ठीक है यार। ये आप सारा कुछ छोड़ो, ये चेक करो, ये माशाल्लाह खाने का पॉइंट है। मार्केट चेक करो, और यहाँ पर आपको तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है, बच्चों के खिलौने से लेके एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस मार्केट। कबाब लगाना, कबाब दो है गया, दो तो जी ये जो है ना इसके अंदर इसको फ्राई करने के लिए आपका स्टीमर है, फ्रायर है? फ्रायर दोनों काम करते हैं, दोनों काम करता है ये। जी ठीक है, इसको कितनी देर फ्राई करता है? अच्छा बंद करेंगे इसको। ये कितनी देर फ्राई करते हैं? 14 मिनट के बाद बाहर निकाल लेते हैं। ठीक हो गया, भाई बिलाल क्या पैक करना भाई दा? ये हाफ प्लेट है? जी जी, राइस से राइस से राइस सेम होते हैं, पीस का फर्क है। अच्छा राइस में फुल पीस होगा, हाँ में हाफ पीस होगा, राइस सेम होंगे। अच्छा यार हमारे सामने जो हमने प्लेट मंगा ली, इनका ना पूरा प्लेटर होता है। यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट मिली है, बाकी जो बिरयानी यहाँ पे मिलती है उसमें ऐसा सिस्टम नहीं, ये पूरा प्लेटर बना के देते हैं। इसमें आपको ये सलाद देते हैं, साथ में आपको जर्दा देते हैं, इसको कहते हैं मतंजन है, लेकिन है जैसे में मीठे चावल हैं सिंपल। और फिर ये बिरयानी आती है इनकी मसाले वाली, जो कि लाहौरी बिरयानी है, ये बिरयानी कराची वाली बिरयानी नहीं है, इसको आपने बिरयानी कंसिडर नहीं करना। ये एक्चुअली मसाले वाले चावल ही होते हैं, काली मिर्च में बनते हैं,
उसको भी बिरयानी कहते हैं। यहाँ पे एक और भी पॉइंट है, इसके भी अपोजिट साइड पे, नहीं अपोजिट नहीं सॉरी, ये बाहर साइड पे, उसको कहते हैं काली मिर्च वाली बिरयानी यहाँ पे मिलती है, लेकिन वो बिरयानी वो भी नहीं है, जब मसाले वाले चावल होते हैं। फिर जनाब हमारे पास यहाँ पे जो है ना ये पीस होता है पूरा, बस सिर्फ जो है ना ये थाई का पूरा पीस होता है, और इसके साथ में जो है ना ये कबाब होता है, ठीक है। ये कबाब भी जो है ये भी कहते हैं काली मिर्च में बनता है। इसको सिंपल पहले चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत कुछ है ऑप्टिमम बाइट बनाने के लिए। इसको पहले जो है ना प्लेन चावल चेक कर लेते हैं कि चावलों का फ्लेवर किस तरह का है, उसके बाद इसमें बोटी और जो कबाब वो चेक कर लेंगे। ये जी यहाँ से हम चावल लेंगे, सिंपल प्लेन चावल, यार मैं सोचा था ये सिर्फ जो है ना बड़ा नाम मशहूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चावलों में बहुत कमाल किस्म का फ्लेवर आ रहा है। डेफिनेटली मसाले वाले चावल ही हैं, बिरयानी नहीं है, लेकिन इसको बिरयानी ही कहेंगे क्योंकि जब चावल में मसाला डाल जाता है, बिरयानी की एक किस्म कह सकते हैं, उसको लाहौरी बिरयानी कह सकते हैं, उसका नाम भी लाहौरी बिरयानी है। इसमें आपको खटास आएगी, इसमें आपको स्पाइसी आएंगे, जो तेज़ स्पाइसी जो तेज़ मिर्चों वाले वो आपको मिलेगा इसके अंदर, और एक अच्छा खासा जो है ना वो पंच आपको मिलता है फ्लेवर्स का, चावल के दाने दाने में फ्लेवर मौजूद है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। चिकन को भी चेक कर लेते हैं, लेकिन ये प्लेन चावल भी खाए जा सकते हैं काफ़ी देर तक, अगर आप रायता नहीं दिखाना चाहते आप सिंपल चावल भी खा सकते हैं, आपको कहीं भी ड्राई नहीं लगेंगे और आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें फ्लेवर नहीं है, इसमें फ्लेवर बहुत कमाल का है। अब चिकन ट्राई करते हैं इनका, देखिए जो है ये मैंने स्किन के साथ ही फ्राई किया हुआ है, इसमें यहाँ से लेते हैं चिकन का पीस बस, ये बूटी आ गई लो जी, ये चिकन का पीस आ गया थोड़ा सा, और थोड़ी सी जो है मैंने जो जली हुई साइड है ना, जो मसाला फ्राई करते हुए जो चिकन को फ्राई करते हुए थोड़ी सी जल गई है, वो भी मैंने ले लिया। यार बहुत कमाल का खाना है। एक चीज़ आपको होगी, हो सकता है आपको खाने के बाद थोड़ा सा आपको फील होगा एसिडिटी हो रही, क्योंकि इसमें मसाले बहुत तेज हैं, लेकिन वो लग इतने मज़े के रहे हैं। अब ये इसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो ये आपको एसिडिटी नहीं करेगी, अगर मसालों की क्वालिटी ख़राब है तो आप वो एसिडिटी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं और बहुत पॉपुलर पॉइंट ये चल रहा है यहाँ पे। अगर ऐसा होता तो शायद लोग यहाँ से खाना छोड़ देते, लेकिन इनकी दूसरी ब्रांच भी इन्होंने बना ली है, ये पुरानी ब्रांच है, तो इसका मतलब ये खाना सही है और मज़े का भी है, डेफिनेटली बहुत मज़े का खाना है। चिकन प्लेन ट्राई कर लेना, बहुत ज़्यादा मैं अगर खाऊँ ना ये, अगर मैं चटपटे खाने पसंद करूँ मैं हफ्ते में लाजमी खाऊँ एक, तो ऐसी कमाल चीज़ है ये। देखिए अब इसका कबाब है, कबाब के साथ ट्राई करते हैं, और फिर इसकी जो है ना अपने हम बाइट लेंगे रायते के साथ, रायते और सलाद के साथ। कबाब का जो फ्लेवर है ना बहुत माइल्ड है, इसमें एक चीज़ बड़ी कमाल की है वो ये कि इसमें हर चीज़ के अंदर अलग अलग फ्लेवर है। अगर आप सिंपल चावल लेंगे चावलों में फ्लेवर है, चिकन लेंगे चिकन में फ्लेवर है, प्लेन कबाब लेंगे प्लेन कबाब में भी फ्लेवर है, और साथ में जो है इन्होंने हमें जर्दा भी दिया हुआ है, जर्दा भी चेक कर दें। सिंपल मीठे चावल है, प्रॉपर जो जर्दा होता है ना वो नहीं बना हुआ, लेकिन है ठीक है, मीठा मुँह मीठा करने के लिए काफ़ी है। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ दिस बिरयानी, और फिर सारा वीडियो वहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे ये साथ में जो ना ऐसे बॉक्स में रख देते हैं, अभी तो भूल लेना इनकी फैमिली सेटिंग मौजूद है, अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं आप फैमिली के साथ बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। ये जी रायता, यहाँ से जनाब लेंगे थोड़ा चिकन, ये चिकन आ गया, थोड़ा सा लेंगे यहाँ से हम, थोड़ा सा लेंगे यहाँ से कबाब, ठीक हो गया, ये आ गया चिकन कबाब और बिरयानी, इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा ऐसे करके रायता, और इसके ऊपर जाना थोड़ा सा हम रखेंगे सलाद। दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ लाहौर बिरयानी। चाल भी यार यहाँ पे ना हर चीज़ का खटाल है, तो खटाल में इतना फ्लेवर बहुत धमाकेदार है। अच्छा यार इस तरह के जो पॉइंट होते हैं इनको ढूंढने में बड़ी मेहनत लगती है, मेरा बिल्कुल पसीना इससे निकला हुआ है, तो गर्मी का मौसम है बरसात का मौसम है, तो शुक्र है मैंने थोड़ी सी स्कंजी पी ली थी, थोड़ा नींबू पानी पीते थे, थोड़ी बचत हुई, और हालत से मेरा ना आज तक एनर्जी लेवल लो होता जाता था आज तक। लेकिन भाई इसको एक्सप्लोर करने के बाद ना मैं आपको ये बता दूँ कि ये जगह जो है वर्थ एक्सप्लोरिंग है, वर्थ विजिटिंग पॉइंट है। यहाँ पे आगे ना मेरा आज थोड़ा सा खुआर होना, गर्मी में पसीने बहाना वसूल हो गया, क्योंकि खाने का फ्लेवर बहुत कमाल गया है, बहुत मज़ा का खाना मिला, इसको लाजमी ट्राई करेंगे आप ट्राई किया।
वीडियो चल रही है, खत्म करते हैं आपसे मुलाकात में इंशाल्लाह वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तरीके का मिशन कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो को जल्दी से जल्द मिल जाए। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आपसे बच्चे बोलते हैं लाइक, आपसे मुलाकात में इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।